पहने मदीने में भी वादा वफा किया, मक्के में भी वादा वफा किया, तेरे अगले हुसैन ने करबला में अली अकबर असगर को कुर्बान करके भी वादा वफा किया। सादिक लोगों की निशानी जो कुरान हमें बताता है, जिंदगी में जबर नहीं करते किसी पर बल्कि सबर करते। इल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिसबर, जो ईमान लाए और उस पर अमल कर गए और खुद भी हक इख्तियार किया और लोगों को भी हक की तरफ बुलाया और उस हक पर चलते हुए जो मुसीबतें आई उस पर खुद भी सबर की और इस्तकामत की और लोगों को भी इस्तकामत की, ये हैं वो नाफे लोग जो दुनिया और आखिरत के घाटे से बाहर चले गए। आज हम दीन दीन की बात करते हैं, आखिरी दो मिनट और उसके बाद आपसे इजाजत। मुझे लाओ दिखाओ वो दीन यहाँ आज कहाँ है। आखिरी में सोच आपके सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं मुसलमान, वो दीन हक जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां दी, वो दीन हक जिसकी तकमील का ऐलान हुजरतुल विदा पर हुआ, वो दीन हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजरतुल विदा पर हमें दिया और फरमाया अय अल्लाह दुआ करना, पहले लोगों से सवाल किया मैंने पहुंचा दिया, खुतबा पढ़ो ना सामने वालों का मैंने पहुंचा दिया, उन्होंने कहा पहुंचा दिया, रूह ने फरमाया गवाह है अल्लाह, फिर हजूर ने दाएं तरफ मुंह फेरा और लोगों से पूछा मैंने रब का पहचान पैगाम पहुंचा दिया, लोगों ने कहा पहुंचा दिया, हजूर ने फरमाया ऊपर आकर अल्लाह गवाह रहना, फिर हजूर ने बाएं तरफ रुख किया और कहा मैंने पैगाम पहुंचा दिया, लोगों ने अर्ज की हजूर पहुंचा दिया, हजूर ने फिर आसमान पर चाया कि अल्लाह गवाह रहना मैंने तेरा दीन तक पहुंचा दिया, वो दीन जिसके लिए फिर सहाबा ने जगह लड़ी और कुर्बानियां दी और जिंदगियां लुटा दी, वो दीन जिसकी सरबुलंदी के लिए हुसैन ने करबला में कुर्बानी दे डाली, वो दीन जिसके लिए जुनैद बगदादी ने कुर्बानियां दी, वो दीन जिसके लिए मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुर्बानियां दी, वो दीन जिसके लिए अली हजवेरी ने कुर्बानियां दी, वो दीन जिसके लिए बहाउद्दीन जकरिया ने कुर्बानी दी, वो दीन जिसके लिए किबला सैयद मोहम्मद कुतुब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी, वो दीन जिसके लिए मेरे पीर मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कादर बख्श में बैठकर सुबह से शाम और शाम से सुबह तक कुर्बानी दी। मैं उस दीन की बात कर रहा हूँ जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, और दीन ज़ाब्ता हयात है, कोई पांच वक्त की नमाजें नहीं है सिर्फ। आओ कहाँ है दीन हक, नारे हम बड़े मारते, कहाँ अमल में हमें दीन हक नजर आ रहा है। 58 मुल्क हैं दुनिया में इस्लामी, किसी एक में मुझे वो दीन हक दिखाओ लाके जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। मुसलमान हमारी हालत क्या है, चोर इधर जाए दुनिया में, दहशतगर्द इधर जाए दुनिया में, झूठे इधर जाए दुनिया में। मेरे मोहतरम दोस्तों गौर करो इस बात पर, क्यों ये ताने हमें बढ़ते, वो कौन जो अपना कोई मसला खुद हल नहीं कर सकती दीन हक के बावजूद, छोटे छोटे मसाइल के लिए दूसरी कौमों पर नजर। कश्मीर हल हुआ 72 साल से, फलस्तीन हल हुआ कई सालों से, कौम अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकती इस दीन हक होने के बावजूद, उसकी वजह दीन हक वो नहीं रहा हमारे अंदर जो दीन हक है। सिर्फ चंद इबादतें लेकर हम फिरते हैं, आखिरी फिर के फिक्रे थे इस शख्सियत के रोजे का भी रखे, उसने इस दीन हक का प्रचार किया, यहाँ वो दीन हमें दिखाया, और जाओ आज यहाँ से झोलिए भर के जाओ और मुझसे वादा करके जाओ जो यहाँ नहीं हो मेरा पैगाम उन तक पहुंचाओगे, जो मेरा पैगाम नहीं सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम, जाओ एक दूसरों को माफ कर दो अगर इज्जत लेनी है, जाओ रब की राह में माल खर्च करो अगर दौलत मंद बनना है,
दीन हक पर कायम हो जाओ और इस्तकामत इख्तियार करो। उस रस्ते में अगर कोई मुसीबतें आए तो सब्र इख्तियार करो। इस दुनिया में भी नफे में रहोगे, कब्र में भी नफे में रहोगे, आखिरत के दिन भी।